हरे कृष्ण मित्रों, क्या आप राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं? क्या आप भी बड़ा नेता बनना चाहते हैं, राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं कि आप भी पार्षद, विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मंत्री बने? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से राजनीति में सफलता प्राप्त हो सकती है। राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ग्रह, नक्षत्र, दशा, गोचर और वास्तु के आधार पर कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार कौन सी सावधानी रखें और किन चीजों को आप यदि अपनाएंगे तो राजनीति के अंदर आप सफल अवश्य होंगे। और हाँ, ये भी देख लीजिए कि आपके भाग्य में राजयोग है या नहीं। ये सब जानने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। और इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है। दिल्ली में जो चुनाव होगा उसके लिए 8 फरवरी तय हो चुकी है और रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगा। दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने अपने सारे कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी है और उनका मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी भी तय हैं। आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, मेरे कई मित्रों ने मुझसे प्रश्न किया और उनकी जिज्ञासा थी कि गुरुजी आप बताइए कि यदि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना है तो उसको क्या करना चाहिए। तो मित्रों, मैंने एक साल पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था और वो वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं कि यदि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो उन्हें केंद्र सरकार में मोदी जी की जो योजनाएं हैं, मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, उसको लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएगी, उनका यदि दिल्ली की जनता को लाभ मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना सकती है। ये मैंने एक साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि अभी इलेक्शन की डेट्स भी आ चुकी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया है, और यह अपने आप में बड़ी बात है। अमित शाह जी को इसीलिए चाणक्य कहा जाता है, और उन्होंने दिल्ली में जो अभी सीएम डिक्लेयर नहीं किया है, एक प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर एक बढ़त पार्टी की ओर से दे दी है। क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री डिक्लेयर ना करके बहुत बड़ी एक रणनीति अपनाई है। और
ये जो रणनीति है अमित शाह जी की, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा एक, मैं कहूंगा इससे एक बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि ग्रह नक्षत्र दशा के आधार पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अरविंद केजरीवाल जी के जो ग्रह गोचर और दशा चल रही है वो काफी स्ट्रोंग है। उनकी जन्मकुंडली के ग्रह दशा नक्षत्र को यदि कोई मात दे सकता है आज, तो वो है केवल अमित शाह जी और मोदी जी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर विजय दिलाने में यदि अमित शाह जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में काफी बड़ा इजाफा होगा, काफी ज्यादा सुधार होगा। और आने वाले समय में इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगा। लेकिन मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर एब्सोल्यूट मेजोरिटी लाकर अपनी सरकार बनाए। हां, यदि अमित शाह जी दिल्ली प्रदेश की यदि कमांड संभालते हैं सक्रिय रूप से सभाएं करके, और मोदी जी, तो दिल्ली के अंदर परिणाम अच्छा आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी को अभी सबसे पहले मोदी जी की जो योजनाएं हैं, और वो वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन मैं अभी भी उसी बात पर कहूंगा, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी के जो प्लैनेट्स हैं वो इतने स्ट्रोंग हैं कि केजरीवाल जी की जन्म कुंडली को यदि कोई मात दे सकता है तो ये दोनों हैं। तो इन्हीं के जो योजनाएं हैं उनको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक नुकसान होने वाला है, और कुछ सीटें बढ़ेंगी पहले से, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी आना या मेजोरिटी में आना उसके लिए कठिन होगा। दोस्तों, यदि आप भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जीवन के अंदर आप चाहते हैं कि आप परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो आप मुझे अपनी बर्थ डिटेल भेजें, हमारी टीम आपकी बर्थ डिटेल के आधार पर आपकी जन्म कुंडली को स्टडी करके आपको रिप्लाई करेगी। और हां, यदि मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते हैं तो मैं स्वयं आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, कमेंट करें और शेयर करें। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, इसके ऊपर मैंने अन्य वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं वहां पर जाके कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मेरी प्रेडिक्शन है। और यहां पर मैंने जो बात की है वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर की है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है दिल्ली प्रदेश में तो उनको क्या करना चाहिए।
दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।